राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशन जी दिया आज एक दिन से दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान नगर निगम कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ। महापौर के साथ ही पार्षदों और निगम के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ ही अन्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगी आयोग के उपाध्यक्ष के सामने रखी। कर्मचारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन 500 रुपए हाजिरी मिले और कर्मचारियों के लिए कॉलोनी भी बनाई जाए, साथ ही नवीन भर्ती और पुरानी भर्ती को लेकर भी निस्तारण करते हुए नए पदों का सृजन किया जाना चाहिए। वाल्मीकि भवन को लेकर भी इस मौके पर मांग रखी गई, तो साथ ही सभी कर्मचारियों को सफाई करते समय उपलब्ध कराया जाए। इन सभी समस्याओं को लेकर उपाध्यक्ष से वार्ता करते हुए समाधान की मांग रखी गई है। वहीं उपाध्यक्ष संजय दिया ने भी इस संबंध में सभी को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अशोक जी गहलोत साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बना करके और ये जिम्मेदारी दी कि जितने जो राजस्थान में सफाई मजदूर हैं उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए मैं काम करूँ। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ आने के बाद में हमने जिला प्रशासन कार्यालय में, सभागार के अंदर और तमाम जिले के अधिकारी प्रतिनिधिगणों को बुला करके और आज हमने वहाँ सभागार में बैठक करी है और जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं की हमने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें विभिन्न विभागों के उनको अधिकारियों को आमंत्रित करके बुला करके और उनका निस्तारण कराने के लिए हमने बातचीत की है। तो मेरा जो आने का यहाँ है, इन्होंने तमाम लोगों ने स्नेह भावपूर्वक मुझे आमंत्रित किया है। मैं इनकी जन अभाव समस्याओं को सुन रहा हूँ और जो भी हो सकेगा मैं सरकार को रिपोर्ट पेश करूँगा। किस तरह की समस्या रखी है सर? जी समस्या क्यों की यहाँ? समस्या जो रखी है, एक तो ठेके पे जो काम कर रहे हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, दूसरा जो है 182 कर्मचारी हैं जिनको अपॉइंटमेंट हो गया था फिर उसके बाद में लिया नहीं, वो भर्ती निरस्त हो गई। तीसरा जो है क्या है कि नई भर्ती की समस्या है, इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जिसके लिए बातचीत करेंगे वो निराकरण हो जाएगा, लेकिन विशेष समस्या यहाँ इतना वो नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की बात हो, ये स्थानीय लेवल पर ही इसका समाधान हो जाएगा मैं मानता हूँ। जी हम भी आज कौन है नगर निगम के अंदर? आज राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के श्रीमान किशन जी जेदिया साहब, राजस्थान सरकार यहां अजमेर आगमन पर सफाई कर्मचारियों का एवं वाल्मीकि समाज ने भव्य अभिनंदन किया है एवं आज महापौर महोदय जी के कक्ष में आयुक्त महोदय जी एवं महापौर महोदय जी, उपायुक्त महोदय जी, स्वास्थ्य अधिकारी जी एवं समस्त यूनियन के पदाधिकारी गणों ने भी अभिनंदन किया। आप हमने जो मांगे रखी थी 5 मांगे उनकी निस्तारण के लिए आयोग महोदय जी अजमेर पधारे हैं कि हमको आश्वासन दिया उन्होंने कि मैं ये जरूर से जरूर कहूँ, क्योंकि अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी, अस्थायी कर्मचारियों की हाजिरी 500 रुपये है, तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि हम 500 रुपये हाजिरी सफाई कर्मचारी की कराएँ। एक सफाई कर्मचारियों के लिए कॉलोनी की बात करिए, 182 का जो प्रकरण चल रहा है पुराना 2012 का, उसके विषय में भी चर्चा हुई है, वो भी कर रहे हैं। नवीन भर्ती के लिए भी चर्चा चल रही है कि भाई हम नवीन भर्ती देंगे और वाल्मीकि भवन जो अजमेर में कहीं नहीं है उसके लिए भी हुई है। ये मांगों को लेकर हमने उनको बताया है तो निश्चित रूप से इनका आश्वासन मिला है कि मैं बिल्कुल करवाऊंगा। सफाई करते हो शहर के अंदर, सेफ्टी किट आपको अभी तक नहीं मिला? सेफ्टी टैंक उसके किट के लिए भी आपने निर्देश जारी किए हैं सख्त कि कोई भी अगर करते हैं तो बिल्कुल आप उनको दीजिए। वैसे नगर निगम प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं, अगर कहीं होता है तो दिए जाते हैं किट, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी सख्त निर्देश और दिए हैं कि कर्मचारी को किसी भी तरीके का वो नहीं होना चाहिए और काम करें। कितने कर्मचारी ऐसे, मतलब अस्थायी कर्मचारी? अस्थायी लगभग 1100 कर्मचारी हैं जिनको बहुत जल्दी ही तोहफा सरकार द्वारा दिया जाएगा। आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन मिला। मेरा नाम ओम प्रकाश गोयर, सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष, अजमेर नगर निगम।